इम्पॉर्टेंट स्टेट था, प्राइम मिनिस्टर का स्टेट है, तो इसलिए जाहिर तौर पे हर आदमी वहाँ पे देखना चाहेगा कि वहाँ पे इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसके एक वाइडर इम्पैक्ट होगा, मतलब नेशनल सीन में भी उसका इम्पैक्ट होगा, तो इसलिए हर आदमी उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। और अब चूंकि रिजल्ट आ गया है तो ये साफ समझ में आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर का जो एक स्पेल है वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है जी। और वो स्पेल एज इट इज है जी। हम जो कह रहे हैं इसे कि 2019 से पहले का इसको एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए या फिर प्रतिबिंब के तौर पर देखा जाए कि 2019 में यही फ्लो रहेगा वोट्स का जो कि जो गुजरात में जीतेगा, तो क्या जायज होगा, क्या कहना सही होगा? ये देखिए सेमीफाइनल, और ये हम लोग अपने लिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन रियलिटी ये होती है कि हर इलेक्शन अपने आप में एक अलग होता है जी। तो 2019 का इलेक्शन किसी और इश्यूज पे होगा, और 2019 के इलेक्शन को अभी के इलेक्शन को देख के हमें कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2004 का इलेक्शन, 2003 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये माना गया 2004 में एनडीए आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन हर इलेक्शन को एक उस इलेक्शन के ही रूप में देखना चाहिए, उस स्टेट के इलेक्शन के रूप में। उसको नेशनल उस पर ट्रांसपोज करना हमें लगता है कि वो उचित नहीं है और ना ही वो सही एक एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है।